हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कच्चे आलू के चटपटे और कुरकुरे पकौड़े। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे आलू के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। और ये पकौड़े एकदम से लच्छेदार बनकर के तैयार होते हों क्योंकि मैंने उनको कद्दूकस करके बनाया है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए फ्रेंड, अपने लच्छेदार आलू के पकौड़े बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चार कच्चे आलू लिए थे और उनको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद मैंने उसको कद्दूकस कर लिया आलुओं को। और कद्दूकस करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को धुल के और रख लिया है पानी निचोड़ने के लिए। तो पानी आपको अच्छे से निचोड़ लेना है आलुओं का। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आलुओं का पानी अच्छे से निचोड़ गया है। तो अब मैं इसको डालूंगी बर्तन में। बर्तन में डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद तेल और 2 बड़े चम्मच इसमें डालूंगी चावल का आटा। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। स्वाद अनुसार डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। और डाल के अच्छे से हम सभी को मिला लेंगे। अच्छे से सभी को मिलाने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक कर के रख दूंगी, जिससे आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट हम इसको ढक कर के रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो 2 बड़े जिस चम्मच से मैंने चावल का आटा डाला था, उसी चम्मच से मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर और डाल के अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पकौड़े बनने के लिए आलू हमारे तैयार हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको आलू को गोल गोल कर लेना है पकौड़े की तरह। तो हाथ में रख के हम इसको इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसी में डालेंगे अपने ये पकौड़े। तो एक एक करके हम अच्छे से अपने पकौड़े इसमें डाल के और हम इनको करेंगे फ्राई। तो देखिए, इसी तरीके से आपको भी इनके पकौड़े बनाना है और एक एक करके हम डाल देंगे। हल्का सा इनको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। डालने के बाद तुरंत इनको नहीं पलटना है, थोड़ा सा इनको फ्राई कर होने देंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इनको पलट लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, जिससे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और फ्राई करते समय आपको याद रखना है कि गैस को आप मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई ना करें, मीडियम पे करेंगे तभी आपके आलू अच्छे से फ्राई होंगे और ये पकौड़े खाने में क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी आ गया है और कितना अच्छा इनका कलर आया है। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इनको निकाल लेंगे और सभी पकौड़ों को इसी तरीके से फ्राई करके तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लच्छेदार आलू के पकौड़े हमारे बनकर के तैयार हैं। और कितने कुरकुरे हमारे ये पकौड़े बने हैं, आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा है। तो देखिए, देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी हमारा पकौड़ा बनकर के तैयार है। तो आप भी फ्रेंड इनको ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।